हेलो दोस्तों, मैं हूं तुहिन और आप देख रहे हैं हाईटेक ब्रो। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं पांच सबसे अच्छा लैपटॉप 60,000 रुपए के अंदर। अगर आप एक नया लैपटॉप लेने का सोच रहे और आपका बजट 60,000 रुपए है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट होने वाला है 60,000 रुपए के अंदर। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो लैपटॉप हमारे लिस्ट में है वो शाओमी की तरफ से है। उसका नाम है शाओमी नोटबुक अल्ट्रा। आपको इसमें मिलता है एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम बॉडी और ये आता है फिंगरप्रिंट रीडर के साथ, उसके साथ बैकलिट कीबोर्ड। और आपको इसमें मिल जाएगा 15.6 इंच का IPS डिस्प्ले जो कि 3.2K का रेजोल्यूशन में से आता है। और आपको इसमें मिल जाएगा 16:10 एस्पेक्ट रेशियो और आपको इसमें मिलता है 100% sRGB और ये आता है 90Hz का रिफ्रेश रेट के साथ। अब पोर्ट्स के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिल जाएगा 3.5mm का जैक, एक USB 2.0, एक USB Type-C, एक HDMI पोर्ट और एक USB 3.0 और एक Thunderbolt 4। अब प्रोसेसर के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है 11th जनरेशन का इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर, जिसमें आपको मिल जाएगा 3.1 GHz का बेस स्पीड, 4.4 GHz का मैक्स स्पीड, 4 कोर, 8 थ्रेड और 8MB का कैश मेमोरी। उसके साथ 16GB का DDR4 का रैम जो कि 3200 MHz का है और 512GB का M2 SSD। और आपको इसमें मिलता है बिल्ट इन Wi-Fi 6। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिल जाएगा 12 घंटे का बैटरी लाइफ। ऑयल लैपटॉप आता है इंटेल का ग्राफिक्स के साथ और आपको इसमें मिल जाएगा विंडोज 10 होम। अब प्राइस के बारे में बात करें तो शाओमी का लैपटॉप आपको मिल जाएगा 57,000 रुपये के अंदर और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अगर आप शाओमी का ये लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और हमारे लिस्ट में दिखाए गए किसी भी और लैपटॉप के बारे में चेक करना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं तो उन सबका बेस्ट बाय लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे दिए लिंक से खरीदते हैं तो हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको कोई भी लैपटॉप चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। अब इसके बाद जो लैपटॉप है वो HP की तरफ से है। उसका नाम है HP Victus Gaming। ये लैपटॉप आता है AMD Ryzen 5 का प्रोसेसर के साथ, जिसमें आपको मिल जाएगा 3.3 GHz का बेस स्पीड, 4.2 GHz का मैक्स स्पीड, 6 कोर, 12 थ्रेड और 16MB का L3 कैच। उसके साथ 8GB का DDR4 का रैम और 4GB का Radeon RX 5500M का ग्राफिक्स। अब स्टोरेज के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है 512GB का SSD और ये लैपटॉप आता है 70 वाट आवर्स का बैटरी के साथ, जो कि आपको 4 घंटे का बैटरी लाइफ दे देगा। और आपको इसमें मिलता है फास्ट चार्जिंग, तो 50% चार्ज होने में बस 30 मिनट का समय लग सकता है। और ये लैपटॉप आता है 16.1 इंच का फुल HD डिस्प्ले के साथ, जिसमें आपको एज टू एज ग्लास मिलता है और माइक्रो एज, और ये आता है 250 निट्स का ब्राइटनेस के साथ और आपको इसे मिल जाएगा 45% NTSC। अब कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है 3 USB 3.0 और एक HDMI पोर्ट और ये लैपटॉप आता है विंडोज 11 होम के साथ। अब प्राइस के बारे में बात करें तो HP का ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 54,000 रुपये के अंदर और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब इसके बाद जो लैपटॉप है वो आसूस की तरफ से है। उसका नाम है आसूस टफ गेमिंग A15। आपको इसमें मिलता है AMD का Ryzen 5 का प्रोसेसर, जो कि आता है 6 कोर, 12 थ्रेड, 4 GHz का मैक्स क्लॉक स्पीड और 11MB का कैश मेमोरी के साथ। उसके साथ आपको इसमें मिल जाएगा NVIDIA का GTX 1650 का 4GB का ग्राफिक्स कार्ड और ये लैपटॉप आता है 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले के साथ, जिसमें आपको 250 निट्स का ब्राइटनेस और 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। उसके साथ आपको इसमें मिल जाएगा 83 ब्लेड का फैन और 4 हीटिंग पाइप, जिससे कि आपका लैपटॉप उतना ज्यादा हीट नहीं होगा। अब मेमोरी के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है 8GB का DDR4 का रैम जो कि 3200 MHz का है, जिसको आप अपग्रेड करके 32GB तक कर सकते हैं और 512GB का स्टोरेज। और ये लैपटॉप आता है विंडोज 11 होम के साथ। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आपको इसमें 14 घंटे तक बैटरी लाइफ मिल सकता है। अब कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है एक HDMI 2.0, एक LAN पोर्ट, एक USB 3.2 Type-C, 3 USB 3.2 और एक ऑडियो जैक। अब प्राइस के बारे में बात करें तो आसूस का लैपटॉप आपको मिल जाएगा 54,000 रुपये के अंदर और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब इसके बाद जो लैपटॉप है वो MSI की तरफ से है। उसका नाम है MSI Gaming GF63। ये लैपटॉप आता है अल्ट्रा थिन और लाइट वेट डिजाइन के साथ और आपको इसमें मिलता है ब्रश्ड एल्युमिनियम चैसी, उसके साथ गेमिंग कीबोर्ड जो कि आता है रेड बैकलिट लाइट के साथ। अब प्रोसेसर के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है 10th जनरेशन का इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर, जिसमें आपको मिलता है 6 कोर, 12 थ्रेड और 4.5 GHz का मैक्स क्लॉक स्पीड। उसके साथ आपको इसमें मिल जाएगा NVIDIA का GTX 1650 का 4GB का ग्राफिक्स कार्ड और आपको इसमें मिलता है 15.75 इंच का IPS डिस्प्ले जो कि थिन बेजल के साथ आता है। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिल जाएगा 7 घंटे का बैटरी लाइफ। अब मेमोरी के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है 8GB का DDR4 का रैम जो कि 3200 MHz का है, जिसको आप 64GB तक बढ़ा सकते हैं और 256GB का SSD और 1TB का हार्ड डिस्क। अब कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है एक USB Type-C, 3 USB 3.2 और एक HDMI पोर्ट और ये लैपटॉप भी आता है विंडोज 11 होम के साथ। अब प्राइस के बारे में बात करें तो MSI का ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 60,000 रुपये के करीब और ये आता है 2 साल के वारंटी के साथ।
अब इसके बाद हमारी लिस्ट का नंबर एक लैपटॉप बताने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से 99% लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप आगे भी हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्रिप्शन एकदम ही फ्री है। अब इसके बाद जो लैपटॉप हमारी लिस्ट में है वो लेनोवो की तरफ से है, उसका नाम है लेनोवो आइडिया पैड गेमिंग 3। आपको इसमें मिलता है AMD का Ryzen 5 का प्रोसेसर, जिसमें आपको मिलता है 3.3 GHz का बेस स्पीड, 4.2 GHz का मैक्स स्पीड, 6 कोर और 12 थ्रेड। उसके साथ आपको इसमें मिल जाएगा NVIDIA का GTX 1650 का 4GB का ग्राफिक्स कार्ड। वही लैपटॉप आता है 4 एयर वेंट के साथ, उसके साथ 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले, जो कि आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और आपको इसमें मिलता है 250 निट्स का ब्राइटनेस। और इस लैपटॉप में आपको मिल जाएगा फुल साइज कीबोर्ड, जो कि आता है व्हाइट बैकलिट लाइट के साथ। अब मेमोरी के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है 8GB का DDR4 का रैम, जो कि 3200 MHz का है, जिसको आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। अब स्टोरेज के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है 256GB का SSD और 1TB का हार्ड डिस्क। और ये लैपटॉप भी आता है विंडोज 11 होम के साथ। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है 45 वाट आवर का बैटरी, जो कि आपको 4 से 5 घंटे का बैटरी लाइफ दे देगा। और ये सपोर्ट करता है रैपिड चार्जिंग को, जिससे कि 50% चार्ज होने में बस 30 मिनट का समय लग सकता है। अब कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है बिल्ट इन वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2, 2 USB 3.2, 1 USB 3.2 टाइप सी, एक हेडफोन जैक और एक HDMI पोर्ट। अब प्राइस के बारे में बात करें तो लेनोवो का ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 55,000 रुपये के अंदर, और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब सबसे आखिर में बात करें कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए। अगर आपको 60,000 रुपये के अंदर सबसे अच्छा लैपटॉप चाहिए तो आपको लेना चाहिए लेनोवो का आइडिया पैड गेमिंग 3, क्योंकि आपको इसमें मिलता है AMD का नया प्रोसेसर, जो कि आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देगा, और आपको इसमें मिलता है NVIDIA का GTX 1650 का ग्राफिक्स कार्ड, जिससे कि आप सारे न्यू गेम खेल सकते हैं फुल HD में। और आपको इसमें अच्छा डिस्प्ले भी मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और आपको इसमें 256GB का SSD और 1TB का हार्ड डिस्क मिलता है, तो इस लैपटॉप का स्टोरेज भी अच्छा है। तो अगर आपको ऐसा लैपटॉप खरीदना है जिसमें आप अच्छे खासे गेमिंग से लेके ऑफिस के सारे काम कर सके, तो आपको लेना चाहिए लेनोवो का आइडिया पैड गेमिंग 3। लेकिन अगर आप एक इंटेल का लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है MSI का गेमिंग GF63। आपको इसमें मिलता है इंटेल कोर i5 का पावरफुल प्रोसेसर और GTX 1650 का ग्राफिक्स कार्ड, जिससे कि आप गेमिंग से लेके ऑफिस के सारे काम कर सकते हैं। और इस लैपटॉप में आपको 7 घंटे का बैटरी लाइफ भी मिलता है, उसके साथ 256GB का SSD और 1TB का हार्ड डिस्क भी है, लेकिन इसका डिस्प्ले बस 60Hz का है। तो अगर आपको इंटेल का प्रोसेसर ज्यादा अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं MSI का गेमिंग GF63 को। तो यही था हमारी लिस्ट का 5 सबसे अच्छा लैपटॉप 60,000 रुपये के अंदर। आपको इन सारे लैपटॉप्स का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके किसी भी लैपटॉप को चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। और अगर आपका बजट ज्यादा है, आप 1,00,000 रुपये के अंदर सबसे अच्छा लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में, आप वहाँ पे जाके वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो 1 लाख जरूर कर देना, और कमेंट में बताइए कौन सा लैपटॉप आपको लगता है बेस्ट है 60,000 रुपये के अंदर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आप सबसे फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।